नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। 2018 में लंदन में भारत की बात प्रोग्राम हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार काम करने के बावजूद थकान महसूस ना होने के सवाल पर यह कहा था कि शरीर तो थकता है, लेकिन उसी वक्त आपको आपकी खबर आती है और वो निकल पड़ते हैं। 6 साल बाद भी प्रधानमंत्री की ऊर्जा उसी तरह है। विरोधियों के लगातार हमलों के बावजूद देश के एक छोर से दूसरे कोने तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी सियासतदानों से अलग करता है? ऐसा कौन सा कवच है जो तीखे जुबानी तीरों से बावजूद हर चुनौती से निपटने की ताकत देता है? रिपोर्ट देखिए। विराट विजय का लक्ष्य है, 400 पार का निश्चय है। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, फिर एक बार। हैट्रिक विजय के प्रण का पूर्ण करने के लिए संपूर्ण समर्पण है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। देश के एक छोर से दूसरे कोने तक नॉनस्टॉप प्रचार, ताबड़तोड़ रैलियां, एक के बाद एक रोड शो, और बिना थके बिना रुके देश के हर वोटर तक अपनी आवाज पहुंचाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए, आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। ये जोश, ये ऊर्जा और इस सक्रियता को देखकर नौजवानों को भी रश्क हो जाएगा। उम्र के जिस पड़ाव में इंसान संन्यास का संकल्प लेने लगता है, 73 साल की उस उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना थके बिना रुके लगातार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी के एनर्जी का राज क्या है? क्या पीएम मोदी थकते नहीं हैं? दिन भर रैलियां और रोड शो के बावजूद प्रधानमंत्री चुस्त दुरुस्त कैसे रहते हैं? वो कौन सी शक्ति है जिसने एक दशक से प्रधानमंत्री मोदी को देश की राजनीति का धुरी बनाया हुआ है? आखिर वो कौन सा कवच है जो पीएम मोदी को विरोधियों के लगातार हमलों से बचाता है? आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी रैलियों में जिक्र करते हैं, बताते हैं कि कैसे विरोधियों के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद वो मैदान में डटे हुए हैं। सवाल ये है कि पीएम मोदी हर सियासी बाधा को कैसे पार कर लेते हैं? वो कौन सी शक्ति है जो प्रधानमंत्री मोदी को विरोधियों के हमलों से बचाती है? जवाब ये तस्वीरें हैं, जिन्हें पिछले 10 साल के दौरान देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी शिद्दत से देखा है। असीम सुहाग्य अंगने नमो।
केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ, द्वारका से कामरूप और रामेश्वरम से रामपथ तक जब भी मौका मिला, पीएम मोदी परमात्मा को नमन करने में पीछे नहीं रहे। एक दशक के दौरान पीएम मोदी 100 से ज्यादा बार धार्मिक स्थलों के दर्शन कर चुके हैं, देश और दुनिया के सभी सिद्ध पीठों में पूजा कर चुके हैं, देश के चारों धामों में माथा टेक चुके हैं। देश के इतिहास में ऐसा शायद ही कोई प्रधानमंत्री हो जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इतने मंदिरों के दर्शन किए हों। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के करीब सभी तीर्थों में दर्शन किए थे। मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था, जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की, वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो एक दशक से देश के विकास से समानांतर चल रही है। सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी आध्यात्मिक शक्तियों के कृपा पात्र हैं? मंदिर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे, देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे। जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल है उसकी उन्होंने यात्रा की, दर्शन किए, ये उनकी एक आस्था का भी विषय है और साथ ही साथ हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने का एक तरीका भी है। वो अगर मंदिर जाते हैं तो उसमें उनकी आस्था भी है, लेकिन इसमें उनका एक राजनीतिक प्रयास भी है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति के वो एक सबसे बड़े नेता हैं। श्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक यात्रा है, उसका जो अधिष्ठान है वो सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है। वो एक तरह से अपना घर छोड़कर जब निकले थे तो उनके जीवन के अंदर एक सन्यास का भाव प्रबल था, इसी कारण से वो हिमालय की उपत्यकाओं में निरंतर घूमते रहे। प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्म से पुराना नाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ मंदिरों में ही पहुंचे हों। प्रधानमंत्री मंदिरों के साथ ही मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च में भी लगातार जाते रहते हैं। ये तस्वीरें पिछले साल जून की हैं, जब मिस्र दौरे के दौरान पीएम मोदी मशहूर और ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद में पहुंचे थे। मिस्र के अलावा 2018 में प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की इस्तिकलाल मस्जिद का दौरा किया था, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में एक माना जाता है। 2018 में ही पीएम मोदी ने सिंगापुर की चुलिया मस्जिद का दौरा किया था। इसके अलावा ओमान दौरे के दौरान पीएम मोदी सुल्तान कबूस मस्जिद भी गए थे। प्रधानमंत्री मोदी गुरुओं का आशीर्वाद लेने में भी पीछे नहीं रहते हैं। पिछले हफ्ते की इन तस्वीरों को देखिए, जब पीएम मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। पीएम ने यहां माथा टेका और अरदास की। यहां प्रसाद खाने के बाद पीएम लंगर वाले एरिया में गए, वहां उन्होंने खाना बनाया, प्रधानमंत्री ने रोटियां भी बेली, साथ ही लंगर में लोगों को अपने हाथ से खाना परोसा।
प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली और पंजाब में कई गुरुद्वारों में भी माथा टेक चुके हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ ही प्रधानमंत्री चर्च में भी जाते रहे हैं। पिछले साल ईस्टर के मौके पर प्रधानमंत्री ने सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च का दौरा किया था। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मस्थलों का दौरा करने वाले अकेले नेता हैं। अक्सर पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को धर्मस्थलों पर देखा गया है। नेता अक्सर दौरा भी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो दूसरे पॉलिटिशियन से उनको अलग करता है? राहुल गांधी की मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन करते नजर आते रहे हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी तक धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था और आध्यात्म को अपने जीवन का मंत्र बनाया और इसे खुलकर बताया भी है। जब मैं श्रीरंगम मंदिर में गया दक्षिण भारत में, हाँ। दक्षिण भारत में और कंब रामायण का मैंने पाठ किया वहां, तब मुझे वहां के लोगों ने बताया कि साहब 800 साल पहले जब कंब रामायण की रचना हुई तो पहला पाठ इसी जगह पे हुआ और मैं देख रहा सबके आंख में आंसू थे। ये जो मैंने अनुभूति की है साउथ में खास करके, यहां बैठे हुए लोगों को अंदाज नहीं आएगा जी कि क्या भक्ति है, क्या आस्था है और कितनी पवित्रता है उसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों अलग हैं? जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि देश की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब अपने आराध्य के दर्शन करने प्रधानमंत्री समंदर की गहराई में उतरे। शरीर पर स्कूबा डाइविंग की पोशाक, चेहरे पर ऑक्सीजन का मास्क और हाथ में भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर पंख। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपर्ट्स की टीम के साथ समंदर में गोता लगाया। समुद्र की तलहटी में उस जगह पहुंचे जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। समुद्र की तलहटी में बैठकर द्वारकाधीश को नमन किया, मोर पंख अर्पित किया और बाहर आकर उस अनुभूति को शब्दों की शक्ल दी जिसमें आस्था और आध्यात्म का संपूर्ण संसार समाया था। द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। द्वारकाधीश ही नहीं, एक दशक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की हजारों सालों की विरासत के साथ ही आस्था और आध्यात्म को जीने का जरिया बनाया। शायद यही वजह है कि विरोधियों के लगातार हमलों और सियासी अदावतों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लीडर बन चुके हैं।